लोकल गार्जियन सीएमडी एनसीएल, साई राम साहब के नाम के पर भी लगा है वो उनका टाइटल है, और मेरे नाम के साथ सामने जो भी लगा हुआ है वो मेरा नाम है। हमारे एफडीज सीबीओ एनसीएल एनसीएल के सीनियर ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सुबह में पहुंचा तो सबसे पहले जैसे यहाँ की मान्यता है झिंगुरदा में हनुमान जी का दर्शन करने गया था। मुझको थोड़ा सा दिमाग में आया कि हर कोने कोने में हर जगह हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों होती है। मैं तो मानता हूं कि हमारे सामने जितने बैठे हैं वो हमारे साई राम साहब के हनुमान है। यदि हम साई राम साहब का शुरुआत वाला साई वर्ड हटा दें तो यदि वो राम है तो आप उनके हनुमान। थोड़ा और दिमाग गया कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो शायद राम जी को लंका मिले में काफी कठिनाई होती, उन बहुत मुसीबत में साथ दिया। जब मुसीबत उनको आती थी तो हनुमान जी को याद करते थे। हनुमान जी राम जी के भक्त थे। आपने पिछले महीने में या शायद इस महीने में ही आपने वो मैथिली ठाकुर को इनवाइट किए थे। वो वास्तव में काफी अच्छा लगा आपके एनसीएल के ब्रांडिंग में, सीआईएल के ब्रांडिंग में काफी बल मिला। वैसे ये कविता तिवारी भी कवि हैं, उनका एक कविता है कि भगवान श्री राम के एक और भक्त थे उनको विभीषण, विभीषण भी भगवान श्री राम के भक्त थे, उनकी भी यदि देखिएगा तो लंका विजय में उनका भी बहुत अहम योगदान रहा है। तो यदि दो भक्तों का, भगवान श्री राम के दो भक्तों का कंपेयर करें, एक हनुमान और दूसरा विभीषण, फिर वो कविता तिवारी की कविता है कि विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब है। एक और ध्यान रखिएगा, विभीषण की कोई पूजा नहीं करता है। आप हनुमान हैं, हनुमान को हर जगह पूजा होती है लेकिन विभीषण की कहीं पूजा नहीं होती है। कभी सोचा है क्यों? वो भी तो राम भक्त है। उनकी एक ऐब थी, एक कमजोरी थी। आज मैं रविंद्र को यही बता रहा था सीबीओ साहब को कि हनुमान बनेंगे कि विभीषण बनेंगे, विजिलेंस का रोल नहीं आता है। यदि आप विजिलेंस हटा दीजिएगा तो हर आदमी विभीषण बन जाएगा, उसकी कहीं पूजा नहीं होगी। कविता की ओर कही कविता है कि विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। ये पावर है आपका विजन डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं यहां आया, रविंद्र ने बहुत कुछ बताया विजन डिपार्टमेंट के बारे में। विजन डिपार्टमेंट भी वैसे ही है जैसे बाकी सब डिपार्टमेंट है। राजभाषा डिपार्टमेंट वैसे ही है जैसे बाकी डिपार्टमेंट है। सेफ्टी डिपार्टमेंट हमारा ऑपरेशन प्रोडक्शन ठीक उसी तरह से डिपार्टमेंट है। वो भी सीएमपी साहब के अंतर में काम करता है, मतलब वो हमारा पार्ट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट मैं जब ज्वाइन किया सीबीओ सीआईएल में तो मैंने एक कोड बनाया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इज बाय यू, फॉर यू, विथ यू, ऑलवेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, विजिलेंस डिपार्टमेंट इज बाय यू, फॉर यू, विथ यू, ऑलवेज। एक और मैं बताना चाहता हूं जिसके लिए मैं स्पेशली यहां आया कि हर डिपार्टमेंट, हर आदमी,
हर होल इंडियन अपने आप को ये माने कि मैं विजिलेंस ऑफिसर हूं, अपने आप को ये माने कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूं, तभी जाकर के हम अपना कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी बना पाएंगे, अव्वल दर्जे की कंपनी बना पाएंगे। और हर आदमी जब बिजनेस की तरह काम करेगा तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अभी राजीव जी ने बताया था कि देश विकास कर रहा है, जब हम ये टारगेट रखेंगे कि विकसित भारत जब होगा तो हम कहां रहेंगे, तो उसमें आपका जो प्रेजेंट फॉर्म है कोयला ढूंढना, पोल्यूशन, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, तो हमको हो सकता है कि सोलर में जाना पड़ेगा, हो सकता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और जब भी हम कुछ नया काम करेंगे तो हमको उसमें सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि कोल इंडिया को देश के डेवलपमेंट के साथ जुड़ना है, कदम से कदम मिला के चलना है, तो आज से ही हमको अच्छा से काम करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार 2 साल से हम लोग 10% का ग्रोथ अचीव किए हैं, तो समझिए कि 2047 तक हम वहां पहुंच जाएंगे। 1 अप्रैल को ऑनरेबल पीएम ने एकमात्र ट्वीट किए थे, कोल मिनिस्ट्री ने लिग्नाइट और कोल मिला करके 1,000 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन बाकी भी मंत्रालय है, लेकिन हमारे कोल मंत्रालय का भी उन्होंने ट्वीट किया था, आप इतने अच्छे हैं। सर नवंबर में मैंने सीबीसी को बुलाया था, सीबीसी आए थे कोल इंडिया में, सीआईई हेडक्वार्टर में। पहले उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ त्रिपाठी आऊँगा मैं, बाद में को लगा कि अरे यार छोटा मोटा कंपनी है, कहाँ जा रहा हूँ, मुझको बोला डिसीजन हो गया। मैं बोला नहीं सर आप आइए, सर आपको अच्छा लगेगा। बोला ठीक, अपने बारे में भेजो, मैं कोल इंडिया सब सब्सिडीज का डिटेल उनको भेजा रहा है। वो आपके वेबसाइट से और हम लोगों का जो फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया उससे उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। पहले हमको बोले थे कि मेरे लिए 10 मिनट का स्लॉट रखना, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, वो बोलने का कोई कुछ है नहीं। फिर उन्होंने कोल इंडिया के बारे में जाना, आपके बारे में जाना, उन्होंने अपना स्पीच बनाया। जब वो आए यहाँ पे तो जो 10 मिनट बोलने वाले थे पूरा 55 मिनट बोले। आपकी उपलब्धियाँ ऐसी हैं, आपकी नेशन के प्रति सर्विस ऐसी है, जिस तरह से आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमसे पूछे कि तुम्हारा कंपनी तो अच्छा काम कर रहा है, तो बोला नहीं सर मैं ये हम लोग सर देश के विकास में एक दीपक है, उसके राह में दीपक का काम करते हैं। बोले नहीं आप दीपक नहीं हैं, आप जो देश का विकास कोई स्ट्रक्चर है तो उसके आप फाउंडेशन हैं, इतना इम्पोर्टेंट है आपके। वही मैं आज रविंद्र को बता रहा था, सीएम साहब को बता रहा था, जहाँ भी जाइए यदि ब्रिक बनता है तो बिना कोयले का नहीं बनता है, स्टील हो, सीमेंट हो, या आपका बल्ब जो चल रहा है, पंखा जो चल रहा है, ये जो हमारा शर्ट बना जो भी बना, बिना हमारा कोयला जलता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है और बनता है, जल्दी होता है। कहीं भी आँख घुमा के देखिए तो हमारा कोल मिनिस्ट्री का उसमें कंट्रीब्यूशन आता है। जरा सोचिए, ये बात सीबीसी ने बताया कि जिस तरह का कंट्रीब्यूशन कोल इंडिया नेशनल डेवलपमेंट में कर रहा है, रियली यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। क्यों ऐसा, इतना तारीफ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ यू पीपल, आपके चलते हैं। हम लोग जिस तरह से ब्रांडिंग है, एनसीएल में ही कोविड पीरियड में सर किसी को बहुत सीरियस तबियत हुआ तो उन्होंने एयरलिफ्ट करके अपने स्टाफ का ऑफिसर का उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, ये पूरा विश्व में पता है कि एनसीएल ऐसी कंपनी, कोल इंडिया की ऐसी कंपनी है जो कि अपने स्टाफ लोगों का ट्रीटमेंट का भी इतना शेयर करती है। तो इस तरह का आपका सर्विस है, इस तरह का आपकी ब्रांडिंग है, जिस तरह से आप लोग जा रहे हैं, इसी में सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि ट्रेनिंग कराया है, ट्रेनिंग सब्सिडी में हमको हेडक्वार्टर में करना है, सेलिंग में
सब्सिडी हेडक्वार्टर में करता है, माइन लेवल पर करता है, तो बाकी सब लोग ट्रेनिंग करता है। मैंने नाम दिया कि हम इतने बड़े हैं कि हम मैराथन ट्रेनिंग करते हैं। जब बिजनेस ग्रुप में मैंने डाला कि मैराथन ट्रेनिंग इज बीइंग डन बाई सीआई है, तो मैराथन के बारे में सब जानने की कोशिश किया। तब किसी और ने कमेंट किया कि सीआईएल इज सो ग्रेट, उनको ट्रेनिंग नहीं, वो लोग मैराथन ट्रेनिंग करते हैं। कोई एक दो मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करता होगा, यहाँ पर मिलियन मेट्रिक टन, थाउजेंड्स ऑफ मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। जेम का पिछले साल हम लोग 1,00,000 करोड़ में जेम का टेंडर दिए थे। ये इम्पोर्टेंस है आपकी। यदि पीएम ने ट्वीट किया था केवल आपका ट्वीट किया, यदि नेशनल डेवलपमेंट, हम तो चेयरमैन साहब को भी बताते हैं कि सर यदि साइबर क्राइम होगा, साइबर अटैक होगा, तो हम लोग चूंकि आपके डेवलपमेंट के न्यू है, फाउंडेशन है, तो हर दुश्मन चाहेगा कि देश का दुश्मन होगा कि आप पर अटैक करें, तो हमको अभी से तैयार होना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी की तरफ। मैराथन ट्रेनिंग, रविंद्र ने बताया कि हम गलतियां कम करें, मैं इसको नहीं मानता। ट्रेंड हम ऐसा हो कि गलतियां हो ही नहीं, परफेक्शन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सब हमारे पार्ट है। कॉन्फिडेंस, और उससे भी ज्यादा जरूरी है फियरलेस एनवायरमेंट, मीन्स हमको डर न रहे, करप्शन फ्री एनवायरमेंट हमको मिलेगा तो हम कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई गलती नहीं होगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं अपने ऑफिसर को कि आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है और आप अच्छे कंपनी के अच्छे ऑफिसर कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि आप डिसीजन लेते हैं। हम कहां से कहां पहुंच गए, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने डिसीजन लिया। टारगेट और टफ हो रहा है और आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब आप बोल्ड डिसीजन लेंगे, आग पे जलेंगे, आग पर चलेंगे, तो आपका पैर जलेगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आग पर चलिए, आपका यदि पैर जलेगा तो आपका भाई एक बिजनेस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो आपको मलहम लगाने का काम करेगा। अभी पूरे सब्सिडियरी में हम लोगों ने सिलेक्टेड माइंस में स्टॉक का सर्वे किए थे, कई लाख मेट्रिक टन का स्टॉक है। पूरा उसका एनालिसिस किए, पूरा रिसर्च किए। आपको आश्चर्य होगा कि कोल इंडिया इतना अच्छा है, इतना व्यवस्थित है, उसके पास कितना कोल है उसको पता है, प्लस माइनस 9%। हम इतने अच्छे हैं, कोई ये सोचेगा कि नहीं, इसका कोल ऐसा फेंका हुआ, ऐसा नहीं है। ये दुनिया वालों को पता नहीं है। जब मैं सीआईएल ज्वाइन करने गया तो मैं रेलवे में भी बिजनेस में था, तो देख कहाँ जा रहे यार, कोयला काला काला कोयला, करप्शन ही करप्शन होगा। जाते हैं पहले सब दिमाग में क्यों बैठा जाते हैं। हम जब यहाँ ज्वाइन किए 15-20 दिन तक आप लोगों के बारे में जाना, देखा कंपनी के बारे में देखा, यदि कोई विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज है। यदि हम सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुए, टॉप किए, मतलब हमारे अंदर जरूर कुछ ना कुछ अच्छी है, अच्छा ही है। वो पार्ट कोई देखता नहीं है। सीबीसीआई का हमको बता रहा है कि यू आर सर्विंग द नेशन इन द ग्रेट वे। हम लोग विजनेस अवेयरनेस वीक में जनरल वीपी मलिक को बुलाए थे। जनरल वीपी मलिक जो कारगिल वार के समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आपको याद होगा ना कारगिल वार में क्या क्या हमने किया। वो भी ट्रेनिंग जब उनको इन्वाइट किए थे स्पेशल गेस्ट लेक्चर की तरह में, उन्होंने कोल इंडिया के बारे में जाना, उन्होंने पूरे मन से बताया कि आपका कोल इंडिया ऐसा है। मतलब कभी हम सोचे अपने कंपनी के बारे में। और आज हमको त्यागी साहब मिले थे एरिया जीएम मंदिर के पास, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम इतना ब्रांडेड हो कि कोई भी यदि सर्विस पीएसयू के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करता हो तो उसका फर्स्ट चॉइस कोल इंडिया हो, इतना हमको ब्रांडिंग करना पड़ेगा। हमको टॉप क्लास का एक और देखिएगा, चेयरमैन साहब का 26 जनवरी का स्पीच सुनिएगा, लास्ट में उन्होंने बोला है हमारी अर्निंग
हम जब ज्वाइन किए तो 17,000 करोड़ था, अभी हम 37 पार कर गया, 38 पार कर गया। इस तरह के जो डेढ़ डेढ़ दो दो साल में डबल कर रहा अर्निंग, ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप एसेट हैं। मतलब हमारा कंपनी मूल्यों का अभी 10 रुपये के लिए पैसे का कभी बुक एसेट नहीं होता है, इतने अच्छे कंपनी हो चुके हैं। वो जमाना गया कि कोल इंडिया लॉस में है, चली गई है। तो उन्होंने अपने स्पीच का आखिरी वर्ड ऊपर जो था कि हमको कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है, मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है। फिर वही डिवीजन और हनुमान का जो अंतर है वो डिफ्रेंशिएट करना है, ब्रांडिंग की तरफ जाना है। एक और उन्होंने देखिएगा कि बिजनेस अवेयरनेस वीक का जो स्पीच में उन्होंने लिखा बोला था कि कोल इंडिया को अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है। अगले साल 1 नवंबर 2025 को हम लोग 50 ईयर्स हो जाएंगे, कोल इंडिया 50 ईयर्स का, 50 कंप्लीट। अभी जो भी हमारे 1.5 साल समय बचा हुआ है, क्यों नहीं हम कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया वालों को पता चले कि कोल इंडिया इज वर्किंग अंडर पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, यहाँ करप्शन का कोई मतलब नहीं है। ये बताने में आप आया हूँ, दुनिया वालों को बताना है यहाँ करप्शन नहीं है। डेज आर गॉन, वो दिन गए जब लोग इसे सोचता था कि कोई अकाउंटेंट नहीं है। हमने पूरा रिसर्च किया, 100 केस में 1 या 2 केस ही हमको ऐसा मिला जहां वो आदमी बदमाश है। बिजनेस वाले काम करते हैं, आपको आश्चर्य होगा। अभी हम लोग ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट दिन रात काम करता है सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव बिजनेस। रिसर्च करता है। प्रिवेंटिव बिजनेस का मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा कि गेहूं का बोरा है, जूट का बोरा था पुराने जमाने वाला, उसका कोई वीक पॉइंट था, लूप होल था, वहां किसी चूहे ने होल कर दिया, जब होल होगा तो पूरा गेहूं बर्बाद होना गिरना शुरू हो जाएगा। वो गेहूं से होल होना हो गया, गेहूं गिरना शुरू हुआ है और वो चूहा उठा के खा रहा है लेकिन भाग रहा है। बिजनेस वालों ने पकड़ा चूहे को, करेट इधर गेहूं वेस्ट हो रहा है, वो तो चूहा नोन है, बाकी कितना हमारा लॉस हो रहा है वो लूप होल उस नियम के, उस नियम के डिफेक्ट के चलते या बोले के लूप होल के चलते हमारा कितना वेस्टेज हो रहा है कोई नहीं देख रहा है। बिजनेस वाले परेशान है कि चूहे को किससे मारे, कैसे चार्जशीट पकड़े, उसमें तब तक और ध्यान आया। मैं तो अपने सीबीओ को बोलता हूँ कि सबसे पहले काम करो खाना मत खाना, पहले उस बोरे का लूप होल बंद करना। क्योंकि मैं रेलवे में बिजनेस में था, वहां मैंने जैसे बोरे का लूप होल बंद किया, हम आपको क्या बताया है, ऊपर से फोन आना शुरू हो गया, अरे तुम चूहा मारना चूहा मारो ना, बोरा का होल क्यों बंद करना है। आपको आश्चर्य होगा, तब हमको समझ में आया कि ये जो लूप होल है ना, वो तो चूहा खाली पकड़ा गया है, इस लूप होल में ऊपर से नीचे तक पता नहीं कितने इसमें शामिल है। वो जो हमने लेटर लिखा कि लूप होल बंद होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा था। मतलब बिजनेस का सिस्टम इम्प्रूवमेंट का सिस्टम इम्प्रूवमेंट जो बिजनेस ने सजेस्ट किया उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन भगवान की मर्जी है, मैं ऐसे ही बोला, बताया उनको कैसे ऐसे लोग हैं जो मेरा फ्रेंड को दबा के रखते हैं, वो क्या चाहते हैं। आपका आश्चर्य होगा वो लूप होल को सिस्टम इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट हुआ, फिर उसकी ट्रेनिंग की गई, तब जा करके हर आदमी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैनुअल डिवाइड हुआ, मैनुअल अपडेट हुआ, मैनुअल अपडेट तभी की जरूरत पड़ता है कि हम देखते हैं हमारा कोई सिस्टम है। वो जूट का बोरा जो था गेहूं का, वो काफी बहुत पहले बदल चुका है, अब स्टील का कंटेनर हम बोरा गेहूं रखते हैं। आज आप एक बैलगाड़ी लेकर के चलिए, सब हंसेगा कहां से आ गया, कहां से आ गया, क्या गड़बड़ क्या है। यदि आज भी हम मैनुअल टेंडर कर रहे हैं, मतलब दिमाग में चल रहा है कि बैलगाड़ी लेकर इस आईटी के जमाने में, यदि कोई सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब समझिए कि हमारा मंशा ठीक नहीं है।
मैनुअल अपडेट हुआ है तो अभी उसको फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब समझिए मनसा पे मनसा पर ठीक नहीं है। मैं इसका थीम और दिया था, इसमें थीम उन्होंने नहीं डाला, और नो अवेयरनेस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और नो अवेयरनेस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एक फेमस कोट है, ये हमने मैराथन ट्रेनिंग का इसका टाइटल दिया था, उसको याद रखिए। हमको नियम पता नहीं था, इसकी गलती हो गई, ये कोई माफ नहीं करने वाला है। बिजनेस वाले भी नहीं माफ कर पाएंगे, ये जमाना आ गया, कोई गलती हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पावर होता है अब ट्रेनिंग में, जब आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पॉल्यूशन करप्शन फ्री आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, तो आप डिसीजन लीजिएगा तो आप सचमुच देश के विकास के साथ कदम से कदम मिला कर पाएंगे। एक और है, डिसीजन हम कब लेते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन हो। हम ऑफिस से यहाँ आए, वॉक करते भी आ सकते थे, गाड़ी के भी आ सकते थे, और एक बहुत सारे तरीका हो सकता है। जब आपके पास दो तीन ऑप्शन होता है तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। टेंडर कमेटी बैठता है, टेंडर डिसाइड करता है, बिकॉज जब L1 L2 उसका सर्टिफिकेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप डिसीजन लीजिएगा, आप कॉन्फिडेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, पूरा रिसर्च कर रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं, और जो भी डिसीजन लीजिए वहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए डिसीजन, या उस नोटशीट में रिकॉर्ड कर दीजिए बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। हो सकता है कि वो डिसीजन बाद में गलत कर जाए। हमें आज ही मैं सीबीओ साहब बोला था, क्या आपका बंगलो जो है बनाने के लिए डिमांड दे दो, बोला नहीं सर यहाँ नहीं बना सकते। मैंने वो डिमांड कर देते कि यहाँ बना दो, कल के दिन हमको तोड़ना पड़ जाता, हो सकता है गलत डिसीजन हो जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ ABC जो भी डिसीजन लिया। लेकिन यदि आप सोच समझ के डिसीजन लिया है, डिस्कस करके डिसीजन लिया है, कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, यदि वो डिसीजन गलत भी हुआ तो साल बाद, चार साल बाद, दस साल बाद बिजनेस वाले मान पकड़ लिए, चाहे आपके बॉस से डांट पड़ गए जितने क्यों डिसाइड किया है, तो अभी मेरी बात मानिए, चूंकि आपने दिल से डिसीजन लिया है, कभी भी आपको आत्मग्लानी नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के हित में आपने डिसीजन लिया है। लेकिन यदि आप अपने लिए डिसीजन लिए, अपने लापरवाही के डिसीजन लिए, आपका नियत खराब है, तो फिर आपका आत्मा रोएगा, आप रात में सो नहीं पाएंगे, तब आपको कोई बात नहीं कर पाएगा। उसी में मैंने कहीं कविता पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। डिसीजन लिया गलत हो गया, तकदीर खराब था, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं। सिद्धो साहब, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। मेरा बोलने का पर्पस है, काम करिए, आगे बढ़िए, डरिए नहीं, क्योंकि हम डिसीजन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो 2047 में जब 100 ईयर्स का आजादी की बात आती है, हम विकास की बात करते हैं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिजनेस के डिपार्टमेंट के बारे में एक और, मैं जब नया नया सीबीओ में ज्वाइन किया, साइदा साहब इंटरेस्टिंग कहानी है, तो अग्रवाल साहब हमारे चेयरमैन थे, उनको बताया कि सर बिजनेस वालों को मैं सोचता हूँ कि मैं जिस मकान है तो उसको हम लोग झाड़ू लें, झाड़ू नहीं लेगा तो घर गंदा हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा और अंदर घुसा, CBC का भी बीच में इंटरेक्शन रहा, मैंने चेंज किया अपना, बोला कि सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं झाड़ू नहीं हूँ, मैं बल्ब हूँ, बल्ब दीपक हूँ। दीपक आपने दीपक जलाया, हम लाइट जितना जलता है उतना ही अंधेरा भागता है, जितना प्रकाश करते रहे जितना जलाएंगे उतना ही अंधकार भागता है। बिजनेस वाले जितना काम करते हैं, इसलिए बोले इनको खूब काम करो, खूब दौड़ो, जहां भी जाना करिए, जाके चेक कीजिए, फाइल देखिए, सब कीजिए, क्योंकि आप जितना काम करेंगे उतना ही हमारा अंधकार भागेगा, हमारा कंपनी सब छोड़ेगा, अंधकार भागेगा, प्रकाशवान होगा, चमकेगा। और फिर बिजनेस वालों के साथ शौचालय व्यवहार,
मैनुअल भी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है विजिलेंस इज नॉट गुड फॉर करप्ट एज वेल एज ऑनेस्ट। विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसा है या वर्ड ऐसा है या डिपार्टमेंट ऐसा है जिसे करप्ट जो है वो तो है ही जो भी है, ऑनेस्ट उनसे वोट आता है। तो इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको बोला कि आप खुद विजिलेंस ऑफिसर बनिए, यदि आप खुद विजिलेंस ऑफिसर रहिएगा आप भी मेरे साथ रहिएगा और अनुमान बन के रहिएगा तो ऐसे ही आपको कंटेंट कर दीजिए। एक पीडीपी कंप्लेन है, आप गूगल में जमाना है, गूगल में आप सोचिएगा देख लीजिएगा सर्च कर लीजिएगा पीडीपी का कंप्लेन कैसे होता है। यदि कहीं कोई विभीषण दिखे या कहीं कोई करप्ट दिख रहा है तो उसको पीडीपी के रिजोल्यूशन के हिसाब से कंप्लेन कीजिए। वैसा कंप्लेन है कि आप कंप्लेन कर देंगे इनके बारे में तो किसी को भले भी नहीं चलेगा कौन किया कंप्लेन। गूगल बाबा सर्च कीजिएगा पीडीपी को कैसे कंप्लेन होता है, और आजकल बहुत कंप्लेन आ रहे हैं पीडीपी के, जो स्टेनो है टाइप कर रहा है वही पता कंप्लेन कर दिया और किसी को पता नहीं चला कौन किया कंप्लेन। उसके साथ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लगाता है जो प्योर टॉप से कर होता वही डॉक्यूमेंट उसके साथ लगा हुआ है। कभी कभी तो हमको आश्चर्य है कि एमओसी से किसी ने कंप्लेंट कर दिया, मतलब ये पीटीपी कंप्लेंट का देख लीजिए नियम क्या है, उसमें ये है कि सीबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कौन कंप्लेंट किया और स्टोरी नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस ऑफिसर बनिए, पीटीपी का खूब यूज कीजिए। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं दीपक हूँ, उसमें एक कविता था मैं ब्रजेश हूँ मैं दीपक हूँ। दीपक का दुश्मन कौन है? अंधेरा। दीपक का दुश्मन अंधेरा है लेकिन उसको बुझाता कौन है? हवा। ये भी विडंबना है कि जिससे दीपक से डरना चाहिए वो नहीं डरता उससे, जिसको नहीं डरना चाहिए वो उसको बुझाता है, उसको अपना दुश्मन नहीं निभाता है। जो करप्ट है उनके साथ साथ जो ऑनेस्ट है वो भी डरते हैं। बिजनेस डिपार्टमेंट का इसी परिप्रेक्ष्य था कि मैं ब्रजेश हूँ मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। मैं ब्रजेश हूँ मैं दीपक हूँ मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद से आजमा को दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है एक चला के दिखाए। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, हर आदमी दीपक बनिए, देखिए हम कहां जा सकते हैं। मैं इस मन से वही विभीषण और हनुमान, मतलब कि जो डिसऑनेस्ट है उसको डिसरेस्पेक्ट कीजिए। जिस दिन हमारे सोसाइटी से करप्ट लोगों का वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो विभीषण के साथ हो रहा है तो हम लोग अपने आप अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, यदि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम गाड़ी नहीं चला सकते, उसी तरह से यदि हम ट्रेंड नहीं है तो हम कोई सेंसिटिव काम नहीं करेंगे। ये जो उनके बॉस है उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको ट्रेनिंग दिया जाए। नहीं, ये जमाना गया कि हम गलतियां कम हो वाला नहीं है, गलतियां ना हो ये वाला जमाना आ गया है। तो हमारा यदि आदमी ट्रेंड नहीं है और वो भी यदि टेंडर का काम कर रहा है या परचेज का काम कर रहा है कोई सेंसिटिव काम कर रहा है तो गड़बड़ जाता है। और आज से ठीक 8-9 महीना पहले हमारे जानने वाले हमको फोन हमसे पूछे कि आप लोग कितना टोकरी खरीदते हैं और कितना वो फावड़ा खरीदते हैं, तो क्या मतलब? तो कोयला जो होते हैं वो कितना टुकड़ी आप लोग कंज्यूम कर लेते हैं साल में? 2 लाख 10 लाख 50 लाख कितना? तो मैंने उनको उसको बताना पड़ा कि आप कहाँ हैं। कई साल पहले कोल इंडिया से मैनुअल एक्सप्रेशन बंद हो चुका है, नाउ कोल इंडिया हैज बिकम फुली मैकेनाइज्ड। मैं सही बोल रहा हूँ, कोल इंडिया फुली मैकेनाइज्ड है और वो दिन दूर नहीं जब हम फुली डिजिटाइज हो जाएंगे। वी आर डेवलपिंग लाइक दिस।
और यदि हम डिजिटाइज होंगे आईटी का यूज करके करप्शन को लापरवाही को दूर कर सकते हैं। फिर सेक्रेटरी को हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, यदि कोई हमारा सीसीटीवी का वेब ब्रिज का जीपीएस का ये सब टेंडर केस में कहीं का यूज ही कर रहा है उसको पकड़िए, उसको ऐसा केस लगाइए जिसे बिजनेस केस होता है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि हम लाखों हजारों हजार करोड़ का टेंडर कर देते हैं लेकिन वो 3,000-4,000-3 करोड़ 4 करोड़ का जो सीसीटीवी वाला टेंडर है फाइल नहीं कर पाते। ये आप देखिए आपका जो बल्ब है लाइट है जो आपके घर का अंधेरा कर रखा है वही आप काम नहीं कर पा रहे। इस डायरेक्शन में सोचना है कि हम वो सारा काम करें कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, आईटी का हम यूज करें। आप आईटी का यूज करेंगे ई ऑफिस की टेंडर जितना हम करते रहे करेंगे ऑब्वियस है कुछ का दिमाग लगाने वाले वहाँ भी आएंगे, फिर हम अपडेट करेंगे अपने लोगों को नए सिरे से ट्रेनिंग देंगे लेकिन हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे जिसने देखो गरी दे रहा है। अब IEEE WCL में देखिए कितना अच्छे से आगे काम कर रहा है, हर चीज दिख रहा है उसका एक्टिविटी भी बढ़ाना है तो आप उसको भी देखना है। हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थीम सॉन्ग जो है कोल इंडिया का उसको आप जब भी कोई बड़ा फंक्शन हो उसमें जुड़वाइए, मतलब वास्तव में जोश जगाने वाला थीम सॉन्ग है। यही ब्रांड है कि कोई आप सुनता है तभी सोचता है कि कितना अच्छा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था जनगण मन, उसे भी हमको है कोल इंडिया कोल इंडिया हमको अलग कहीं से भी कोई दूसरा। वो टोकरी वाला कहानी आया कहाँ से उनके दिमाग में, कोल इंडिया ने बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला था टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत खर्चा किया था कोल इंडिया ऐसे कर रहा ऐसे कर रहा, उसमें जो फोटो चिपकाया था ना वही पुराने जमाने का दो तीन लेडीज के साथ टोकरी दे करके कर रहा था। अब ये समझिए क्या इमेज बनेगा उन्होंने जो भी मीडिया पर्सनल है उनको भी हमें बताना चाहते हैं इसको पूरा ध्यान रखना है कि हम बाहर में क्या परोस रहे हैं। यदि टोकरी परोसेंगे आप वो भी एक साल पहले तो अभी ऐसे टोकरी लोग सोचेगा जो सत्य है उसको हम सामने लाए। मैं CBO हूँ पूरा ऑल ओवर इंडिया के CBO के कंटेक्ट में रहता हूँ नहीं रखता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि टॉप 5 कंपनी आती है ट्रांसपेरेंसी के बारे में माइनिंग सेक्टर पर खास करके उसमें भी हमारा कोल इंडिया है, हम कहीं से कमजोर नहीं है। जरूरत है तो उसको और रिफाइन करने का और अच्छा करने का, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो आप हर एक कोने कोने से आए हुए हैं हम यही अपील करेंगे सबसे वो सारा काम करिए जिससे कि आप रात को अच्छा से सो सकें। अपने गलत नहीं करें ये हमेशा प्रण का काम करता है। अपने कलीग से कोई गलत हो तो उसको सजेस्ट करना है समझाना है, और हम बिजनेस ऑफिसर हैं यदि ट्रांसलेशन गलत करा तो उसको रोकेंगे रोकेंगे। एक और मैं एक डेढ़ महीना पहले रिसर्च कर रहा था कि हमारी शिकायत होती कहां से है। माय डियर फ्रेंड जहां भी पब्लिक इंटरफेस है जहाँ दस्त बाहर वाले आके आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे आपसे उल्टा सीधा काम करवाएंगे चाहे धमका के कराएं चाहे आपको लालच दे कराएं चाहे जैसे भी कराएं वही बाहर जाकर के बदनामी करते हैं कोल इंडिया में। वो गांव वाले वो नेताजी चाहे जो भी हैं आपसे तेल भरवाते हैं वही जाके आपके शिकायत करते हैं। ये जो छोटे छोटे हम लोग जो टेंडर करते हैं जितना नंबर ऑफ टेंडर करेंगे कहीं पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा होगा लोगों से, तो छोटे टेंडर करें नहीं यदि करें भी तो कुछ एजेंसी है तो इंडिया GM से कॉल करके तब करें, बड़े टेंडर करें इकट्ठा करके करें कंबाइन करके इंटर पब्लिक इंटरफेस को कम करना है। माइन इलाका तो हमारा ऐसे ही पता नहीं अनवांटेड पीपल देखिएगा घूमते रहता है, काम क्या करेगा आप किसी का ट्रक अच्छा से लोड करा देगा किसी क्वालिटी ठीक करा देगा किसी कुछ करा देगा किसी करेगा वही आदमी जाकर के बाहर में बना भी करता है। मतलब जहां पब्लिक का इंटरफेस है वही आदमी का है वो आपको आपको शिकायत करता है। तो ऐसा काम करें कि माउथ क्लिक कोई भी टेंडर का डॉक्यूमेंट जमा करना है आप बैठे बैठे घर से आप टेंडर डाउनलोड कीजिए अपलोड कीजिए जो भी करना करिए यहाँ की जरूरत नहीं है ऐसा हमारा पॉलिसी होना चाहिए।
छोटे छोटे टेंडर नहीं करेंगे। आपको देखिएगा कि हजारों में टेंडर होता है, प्लस मैनुअल टेंडर बिल्कुल नहीं करता। कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो एक्सेप्शन हो गया तो आप देख लीजिए रूल क्या होता है। दूसरा, टेंडर खूब करना है, क्योंकि टेंडर नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर नहीं है, हर चीज आउटसोर्स पे जाना है। तो डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए हम बने हुए आगे जो करते जाना है। वी आर डूइंग ग्रेट, इतना हमने आपको बता ही दिया। आईटी का खूब यूज किया। एक और हमने सोचा था कि कुछ बड़ा करना है। आज ही सीएमडी साहब ने बताया कि यहाँ पर एविएशन के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये खुशी होती है कि एनसीएल हेडक्वार्टर में यदि एयर कनेक्टिविटी हो जाए, और वो कनेक्टिविटी इसलिए हो रहा है कि मैं बड़ा भाई की तरह उसका कोऑर्डिनेट किया सारे लोगों से, कितनी गौरव की बात है। तो इस तरह का काम करना है, बड़ा काम करना है। एक और हमने कंपेयर किया था, हमारे पास दो साल पहले मुसीबत आया था, पूरा वर्ल्ड में कोविड का वेव था, आदमी आदमी से डर रहा था। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बेटा आने से लेने से मना करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी एक स्ट्रीट लाइट या कहीं का भी एक लाइट, कोई एक बल्ब ऑफ हुआ, पूरे कोविड पीरियड में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्राइसिस नहीं, क्योंकि उस विपत्ति काल में भी हमारा कोल इंजन उठा और क्या करके अपनी जान की परवाह न करके, अपनी फैमिली की जान की परवाह न करके काम किया। इस तरह के सर्विस आप देते हैं। ये बात हमको मलिक साहब ने, बीपी मलिक साहब ने बताया था, एक्स जनरल फॉर्मर जनरल, कि इस तरह का काम आपने किया है। मतलब इस तरह से सोचना है कि हम लोग क्या किस तरह का काम कर रहे हैं, और फिर हमारी तरफ पता नहीं क्यों, ये डिफ्रेंशिएट करना है। दैट्स ऑल।